मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ में 4 साल की बच्ची से रेप के आरोप में 63 वर्षीय पड़ोसी गिरफ्तार। रायपुर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में 63 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। शनिवार को बच्ची घर के सामने खेल रही थी, तब पड़ोसी आरोपी ने उसे अकेला देख कथित रूप से उसका बलात्कार किया। जब बच्ची ने माँ को घटना के बारे में बताया तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बच्ची ने रोते हुए प्राइवेट पार्ट्स में दर्द की शिकायत की थी। मेडिकल परीक्षण में हुई बच्ची के रेप की पुष्टि। दिल्ली के ओयो होटल में 15 वर्षीय शूटर की मौत। कोच ने कहा बाथरूम में लगा था करंट। शूटिंग प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड से दिल्ली आया 15 वर्षीय शूटर प्रियांशु कुमार रविवार को ओयो रूम्स कंपनी के होटल के बाथरूम में मृत अवस्था में मिला। प्रियांशु के कोच ने बताया कि बाथरूम के वाटर हीटर से उसे करंट लगा था। पुलिस ने होटल के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर लिया और जांच जारी है। मृतक बिहार का रहने वाला है, देहरादून में पढ़ाई करता था। लापता लॉ छात्र का शव गाजियाबाद में पूर्व मकान मालिक के बेसमेंट में मिला दफन। हफ्ते भर से लापता 27 वर्षीय लॉ स्टूडेंट का शव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में उसके पूर्व मकान मालिक के बेसमेंट में 6 फीट नीचे दफन मिला है। 1 महीने पहले इस घर में रहने आया छात्र 15 दिन बाद ही दूसरे मकान में शिफ्ट हुआ था। छात्र की गुमशुदगी की शिकायत होने के बाद से मकान मालिक का परिवार फरार है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।